हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वल्स पार्ट क्लासेस। मेरा नाम है अनुप विमान और आज हम बात करेंगे क्लास 10 से चैप्टर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 देखते हैं वीडियो का। टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, दैट इज फर्स्ट वन टॉपिक होगा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सेकेंड वन, व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन में इनके रोल्स क्या क्या होते हैं। थर्ड वन हम लोग कवर करेंगे हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, कैसे हमें पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वन टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट वन टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज in which one or more substances react to form a new substance with entirely different properties. It means that a chemical reaction एक ऐसा chemical change होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा substances आपस में react करते हैं और एक या एक से ज्यादा new substances form करते हैं with entirely different properties. इसका मतलब जो हमारे substances होते हैं जो react करते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं वाटर। यहां पर हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, बट वाटर एक लिक्विड है। इट मींस दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है वो वाटर के साथ मैच नहीं करती है और यही हमने बताया था विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इट मींस दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रॉपर्टी वाटर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। सेकेंड वन टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। इट मीन्स वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब जो भी सब्सटेंसेस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। तो इसी एग्जांपल में देखते हैं लोग, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स दे बोथ आर नोन एज रिएक्टेंट्स। What are the products? The new substance formed during a chemical reaction are known as the product. It means that जो new substance form हुआ है that is water, it is a product. Clear बात है? मतलब क्या है कि दो जो substances किसी भी chemical reaction में participate करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं reactant और जो new substance form होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं products. Fine. अभी देखो एग्जाम्पल में भी हमने लिखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं वाटर। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है दे बोथ आर रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज प्रोडक्ट। हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड आर नोन एज द रिएक्टेंट्स and water is a new substance form and known as the product. Fine. The next one topic हम लोग cover करते हैं, how can you identify a chemical reaction or chemical change? It means that कोई केमिकल चेंज या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हुई है इस बात का हम लोगों को कैसे पता चलता है। तो उसके लिए हम लोग देखो देखते हैं, दैट इज अ
केमिकल चेंज कैन बी आइडेंटिफाई, मतलब एक केमिकल चेंज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन कलर, मतलब अगर दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और या फिर वहां पर हम लोग देखते हैं कि कोई कलर चेंज होता है, देन हम समझ जाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, इट्स एक्वस सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम आयरन नहीं डिप करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये एफसी इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और जैसे ही इसमें आयरन नहीं डिप करते हैं इट इज कन्वर्टेड इंटू ग्रीन कलर, इट इज कन्वर्टेड इंटू ग्रीन कलर। तो यहां पर चेंज इन कलर हुआ है, इनमें से केमिकल रिएक्शन हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल्स आर डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन द आंसर विल बी व्हेन आयरन नेल डिप इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड इन टू द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब अगर कभी किसी भी रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि कोई गैस इवॉल्व होती है, कोई गैस इवॉल्व होती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देन एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये सोडियम यहां से हाइड्रोजन गैस को क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है और यहां पर बनता है Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इट मीन्स यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा देन केमिकल रिएक्शन होगी। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल। बात करते हैं अपन चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर कभी किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होता है देन भी हम लोग बोलते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, दैट इज ये चूने का पानी होता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में कभी भी वाटर मिक्स करते हैं देन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व होती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा कि हम लोग कभी भी चूने के ऊपर पानी डालते हैं तो हीट अप करने लगता है, क्यों? क्योंकि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा देन हीट इवॉल्व होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके यहां। नेक्स्ट वन चेंज इन स्टेट, स्टेट मीन दैट इज फिजिकल स्टेट। एग्जाम्पल देखे हैं हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन की जो फिजिकल स्टेट है वो है गैस एंड ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट भी क्या है गैस, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं बनाते हैं वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट गैस लिक्विड, दैट इज यहां पर चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ है, गैसेस से लिक्विड फॉर्म हुआ है, इट मीन्स यहां भी केमिकल रिएक्शन हुई है। लास्ट वन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब अगर कहीं पर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो भी हम लोग बोलते हैं कि यहां पर क्या हुआ है कोई केमिकल चेंज हुआ है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, ये आप लोगों ने 9 क्लास में भी पढ़ी होगी रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ और बनाता है BaSO4 एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड तो BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से और बनाता है बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो यहां पर प्रेसिपिटेट बने हैं और देन हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर भी कोई केमिकल चेंज हुआ है। व्हाट आर द प्रेसिपिटेट, आप लोग नोट कर सकते हैं इस बात को, दैट इज
the new substance formed which is settled down during a chemical reaction is known as precipitation. ठीक है, क्लियर है?